नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज़। लॉकडाउन के समय में वैसे तो बैंकिंग क्षेत्र के कामकाज चल रहे हैं, फिर भी नागरिक कम से कम घर से बाहर निकले, इस हेतु से एसबीआई ने नई पहल की है। एक मोबाइल एटीएम वैन तैयार किया गया है जो बड़ौदा शहर के भिन्न गलियों और चौराहों पर खड़ा रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए नागरिक अपने घर के बाहर से ही पैसे प्राप्त कर सकेंगे, ये प्रयास है एसबीआई का। इस मोबाइल वैन और एटीएम को सुरक्षा के तहत भी अच्छी तरह से तैयार किया गया है, इससे सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। ये एटीएम वैन खास तौर पे रेड जोन और क्वारंटीन विस्तारों में पुलिस प्रशासन के निर्देश के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही में इस एटीएम मोबाइल वैन में नागरिक किसी भी बैंक के कार्ड के जरिए नकद प्राप्त कर सकेंगे। लॉकडाउन के समय में नागरिकों की सुविधा हेतु ये एसबीआई का प्रयास है। अब इंडिया पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी बैंक है और बैंक का एक दायित्व है कि हमारे प्रजालक्षी कार्य के लिए हमारा दायित्व रहता है। बड़ौदा में पहली बार हम मोबाइल एटीएम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक बड़ौदा में ये पहला अवसर है कि हम मोबाइल एटीएम की सेवा जो हमारी पब्लिक को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सबसे बेनिफिट तो ये रहेगा कि इसमें कोई भी बैंक का कार्ड चलेगा, चाहे वो स्टेट बैंक का हो, चाहे वो और बैंकों का, सभी कार्ड उसमें पेमेंट होगा। हमारे क्या है, जो पुलिस यहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो हमको जो सूचना देंगे कि मान लो अभी नागरवाड़ा में ज़रूरत है और वहाँ लोग, अगर वहाँ अनाउंसमेंट भी होगा और लोग वहाँ से आएंगे और जब तक वहाँ पेमेंट चलेगा तब तक वहाँ रहेंगे, बाद में कोई और इलाके से आएंगे तब तक चलेंगे। बाद में अगर वो बताएंगे, यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है वो बताएंगे हमको कि भाई ये सुविधा ये टाइमिंग से चलनी चाहिए, तो हम वो भी करेंगे। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।